लोकसभा चुनाव और 6 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने सुजानपुर से कांग्रेस प्रत्याशी कैप्टन रंजीत राणा से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आज हम आपको सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में लेके आए हैं, जहां उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। उपचुनाव के जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के प्रत्याशी रंजीत राणा, आइए उनसे हम बातचीत करते हैं क्या किस तरह से प्रचार चला है। सर, पहले तो इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका भी, बहुत बहुत स्वागत समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, किस तरह से प्रचार जो है आपका विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, प्रचार चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताएं हमारे भाभी। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के बीच की जनता को सबको मैं नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं, क्योंकि सुजानपुर की जनता जो है पिछले 15 साल से बहुत ही उठा पटक के बीच में बहुत परेशान हो चुकी थी, और इसमें जो विकास के काम थे वो सारे रुक गए थे। अभी लोगों के बीच में इतना आक्रोश है कि वो सब इस चीज को देख रहे हैं कि कब ये चुनाव हो और हमारा गुस्सा जो है वो हल्का हो। सर, अगर बात करें पार्टी छोड़ने की, आपने भाजपा को छोड़ा, कांग्रेस को हाथ थामा है, क्या मजबूरियां रही उसके बारे में थोड़ा बताएं। मेरा जो इस पार्टी में आने का और पीछे वाली पार्टी को छोड़ने का, मैंने ये जो लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं जैसे फौज में लड़ाई लड़ता था वैसे ही मैंने सिविल में भी आके लड़ाई लड़ी है, और जो हमारे सीनियर नेता थे उनके आशीर्वाद से आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। और ये जो लड़ाई है ये लोगों की भावनाओं की लड़ाई है कि लोग जो थे पिछले 15 सालों से ठगे जा रहे थे, तो इसलिए लोग बहुत नाराज हैं और लोग ये चाहते हैं कि हमारा काम कैसे होगा। लेकिन जिस दिन हमारे मुख्यमंत्री सुजानपुर में आए रेस्ट हाउस के बीच में और उनको मिलने के लिए इतनी भीड़ इकट्ठी हुई, तब उन्होंने जब आश्वासन दिया कि यहाँ का मुख्यमंत्री तो हूं ही मैं, आपका विधायक भी मैं हूंगा, तो सब जनता जो है बड़े संतोष से और बड़े एक अरमान के साथ बैठ गई है कि नहीं, हमारे विधायक जो है वो मुख्यमंत्री ही है। सर, हम बात करें खरीद प्रमुख की, तो भाजपा आरोप लगा रही है, जैसे भाजपा के प्रभारी हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आरोप लगाया है कि रणजीत राणा को कितने में खरीदा गया है, किस तरह से देखते हैं इस आरोप को? ये सब उनके जुमले हैं। मैंने तो पहले स्टेटमेंट दे दी थी आज से 1 महीना पहले कि मैं फौजी आदमी हूं, मैं जनता के आगे झुक सकता हूं, बिक नहीं सकता हूं। मुझे भी लालच दिया गया लेकिन मैंने मना कर दिया कि मैं ये लड़ाई जो लड़ूंगा ये अपने लिए नहीं, ये मैं मुख्यमंत्री जी की लड़ाई लड़ूंगा और हमीरपुर जिले को बचाने के लिए लड़ाई लड़ूंगा। इसलिए मैंने पार्टी छोड़ करके फैसला लिया कि हमीरपुर के जिले के मुख्यमंत्री को हमने नहीं जाने देना है, जो ताकतें बाहर की पड़ी हुई हैं उनकी यहाँ पे कोई पेश ना चले, इसलिए मैंने आगे आकर के ये फैसला लिया और कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और एक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहा हूं और कार्यकर्ता ही रहूंगा, किसी पद की लालसा मेरे को नहीं है। सर, हर मंच पे जो है जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो एक ही आरोप लगा रहे हैं कि संस्थानों को बंद किया गया, साथ ही वो कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में जो 14 महीने का कार्यकाल रहा, किस तरह से देखते हैं और उसके बाद जो है ये हमें अनुभव बताइए। 15 साल से विधायक जो अभी छोड़ के भाजपा में मिले हैं यही थे यहाँ पे विधायक, और पिछले 1.5 साल से भी तो विधायक यही थे, 2 महीने पहले तो गए हैं ये, 2 महीने पहले क्यों नहीं इन्होंने विकास कराया? क्योंकि जब भी मुख्यमंत्री जी के पास इन्होंने जाना तो कभी ये नहीं बोला इन्होंने कि ये जो IPH का डिवीजन है इसको खोल दिया जाए मुख्यमंत्री जी, या यहाँ पे ये काम किया जाए या सड़क ठीक की जाए, वो सिर्फ यही रट लगा के जाते थे कि मेरे को मंत्री बनाओ। हमीरपुर में इतने बार मुख्यमंत्री जी आए, पूरे चैनलों में चला, पूरे पेपरों में निकला कि सुजानपुर का विधायक जो है वो इस मीटिंग से गायब है, तो फिर जब जाएगा ही नहीं मुख्यमंत्री के पास कोई तो विकास और संस्थान कैसे खुलेंगे? वो अभी मुख्यमंत्री जी आए थे तो उन्होंने बोला है कि जब मैं विधायक ही सुजानपुर का मैं ही हूं और जैसे ही ये आचार संहिता हट जाएगी तो यहाँ क्या डिवीजन भी खुल जाएगा, इलेक्ट्रिकल का भी और IPH का भी। सर, आरोप चाहे
आपके यहाँ पूर्व विधायक हो या फिर जो 6 बागी हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि खरीद बोक जो है नहीं हुई है और उसके ऊपर जो मानहानि का दावा जो है मुख्यमंत्री, किस तरह से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को आप? ऐसे है कि मैं जिला परिषद का मेंबर हूं, तो अगर मैं उसका इस्तीफा कैसे दूंगा? मैं अगर इस्तीफा दूंगा तो मैं किसी लालच में आके ही दूंगा। जब आदमी के बीच में कोई लालच आ जाता है तो ना वो अपनी जनता को देखता है ना अपने आप को देखता है, सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है और अपना हित देखता है। इसलिए उन्होंने कार्रवाई की, पूरे टेलीविजनों में आया, कैसे जहाज में गए, कैसे जहाज में आए, वो सारा तो कार्यक्रम में वो पूरा अखबारों में और टीवी के ऊपर दिखाई दे रहा था। इसमें कुछ बोलने की तो बात है ही नहीं। लालच के बिना कोई आदमी नहीं जाता है कहीं भी। कुछ ना कुछ इन्होंने लिया है और जो मुख्यमंत्री जी ने खुद बोला है कि इन्होंने ये लिया हुआ है, तो उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। जैसे ही उसका फैसला आएगा तो सबके सामने उजागर हो जाएगा। अगर बात करें विधानसभा में अभी क्या कार्य जो है नहीं हुए और आगे का जो आपका रोड मैप है वो क्या है, वो थोड़ा बताएं। यहाँ पे सबसे पहले तो जितनी सड़कों की कोई प्रॉब्लम है वो सड़कें बनाई जाएंगी, जिनकी कोई बिजली की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, वो सारे काम जो है हल किए जाएंगे। यहाँ पे कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। जो जनता की समस्या होगी मैं वहां पे जनता को अपने पास नहीं बुलाऊंगा, जनता के पास खुद जाऊंगा, उनके घर में जाऊंगा, उनकी पंचायत में जाऊंगा, उनके वार्ड में जाऊंगा, वहां पे उनकी समस्या को सुना जाएगा और वहां पे ही उस चीज का हल निकाला जाएगा। सर धन्यवाद बात करने के लिए। ठीक है जी, आप ये थे हमारे साथ कांग्रेस के जो प्रत्याशी रणजीत राणा, जिन्होंने हमारे साथ चर्चा की और उपचुनाव जिस तरह से जा रहे हैं उसके बारे में विशेष चर्चा की और जो उनको समर्थन मिल रहा है उसके बारे में हमें बताया। हमीरपुर से इंडिया न्यूज के लिए सुमित्र।